सो यो लॉट्स ऑफ गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर, या फिर बोल लो कार फॉर वेचो सिमुलेटर। सो भाई, इस गेम में हमें एक अपनी खुद की डीलरशिप खोलने रहती है, जहाँ पे हम कार खरीदते हैं, बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। सो आज चलते हैं वीडियो में बिना कोई बकवास के। तो भाई, अभी हम स्पॉन हो चुके हैं और ये ही है शायद से हमारा ऑफिस। भाई कितनी सारी, कितनी गंदगी हो रखी है। और भाई क्या है बोलूँ, सामने एक ऑटो रिपेयर की शॉप है एंड ये शायद से हमारे घर बाजू में जो दिख रहे हैं, शायद से, पक्का नहीं है। एंड भाई ये कौन सी गाड़ी है भाई, देखने में तो मस्टैंग लग रही है। क्या बताओ कौन सी गाड़ी है भाई, इसीलिए हम उसको उठा लेते हैं भाई, ऐसा कार भी उठा लेते हैं। और ये देखो, पहला हमारा टास्क था कि हमें सब ट्रैश कलेक्ट करना है, तो भाई से हम कलेक्ट कर लिया हमने गाड़ी को, और ये सब भी हम कलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी, ये अच्छा डब्बा नहीं कलेक्ट कर सकते मैं अभी। और ये प्लाइज हमें शायद से हटानी है, जब इन्हें भी हटा दिया। एंड लेट्स गो, हमारा ऑफिस अब क्लीन हो चुका है भाई। अब देखो कितना प्यारा सा ऑफिस लग रहा है, पहले इतना गंदा सा था। वैसे भाई हमारा ऑफिस इतना छोटा क्यों है, जो भी हम अंदर आ चुके हैं। एंड अभी हमें खोलना है हमारा ये कंप्यूटर, जिससे हम सब एक्सेस कर पाएंगे पे क्लिक करके। ओके, हम यहाँ पे अभी हम संभाल सकते हैं। एंड ये कंटेनर शायद से, ओके ये कंटेनर हमारा घर है, मुझे लगा था वो हमारा घर है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेड बेड है। सो अभी हम यहाँ पे आके आउट डिज़ाइन, इन डिज़ाइन, मार्केट, ये सब हमें अभी कुछ नहीं करना। हमें तो अभी नाम चेंज करना है यहाँ का, तो स्टैंड पे क्लिक करके नाम रखते हैं इवर्टो मोटर्स। एंड टी का यहाँ टी, ओके TRS, ओके यहाँ पे हम साइन उसे नहीं लगा सकते, कोई भी वही चेक कर रहा था। एंड विड हम, भाई कितना प्यारा लग रहा था, पर हम नॉर्मल रखेंगे विड जो पहले था। ओके इतना सही है। एंड साइज, साइज इतना ठीक है। अब कलर वाइट ही सही है भाई, वाइट ही रखते हैं। एंड अपडेट करते हैं, मैंने अभी बाहर जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके नॉइस, अच्छा दिख रहा भाई, अच्छा दिख रहा। इवर्टो मोटर्स। सो अभी हमें जाने का है नेबरहुड में गाड़ी खरीदने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें अगर हमें भाई डीलरशिप चलानी है, तो उसके लिए हमें गाड़ियाँ चाहिए ही रहेंगी। तो भाई हम आ चुके हैं अभी डीलरशिप पे, मतलब नेबरहुड में डीलरशिप पे बोल रहा हूँ। एंड भाई ये रहे, कितने सारे घर हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक आंटी हैं। ओके तो भाई यहाँ से हम डिटेल विटेल्स देख सकते हैं स्किल्स पॉइंट अनलॉक करके, जो कि स्किल्स पॉइंट से मतलब हम एक स्किल रिवील कर सकते हैं, मतलब अनलॉक कर सकते हैं। भाई मैं भी भूल जाता हूँ कभी। और अनलॉक करने के बाद यहाँ से हम सारे स्किल्स खोल सकते हैं, फिर देख पाएंगे मतलब सब, और इस तरफ का भी हम देख पाएंगे, ठीक है। और अगर हम आए दबा के देखें, तो ये देखो भाई, ये ना स्किल पैनल, और हमारे पास अभी 0 पॉइंट है, हमें 1 पॉइंट देना पड़ता है कोई भी स्किल अनलॉक करने के लिए। और हमारे पास अभी XP 18 है। अब बाकी बात रही XP की, तो वही हमें खेल खेल के मिलते रहेगा, जैसे जैसे हम खेलते रहेंगे गेम वैसे हमें XP मिलते रहेगा। सो ये देखो भाई, रिपेयर प्राइस ये सब। सो अभी काम करते हैं, आंटी से बात करते हैं, और भाई देखते हैं कितने की बेच रहे थे गाड़ी। ठीक है, 11,000। भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया 11,000, हमारे पास अभी सिर्फ 7 है, नहीं ले सकते, सॉरी। और अरे मैं अभी जंप किया ना इतना ऊंचा, ये देखो भाई गेम में बग मैंने ऐसे ढूंढ लिया आते साथ। एंड ये टेस्ला लग रही है मेरे को, टेस्ला टेस्ला, और ये टेस्ला नहीं थी भाई, टेस्ला ही लग रही है, देखो टेस्ला की जैसे पूरा सब कुछ। पर ये है टोयोटा एवरॉन। ओके कितने के बेच रहे अंकल, 31,000। भाई नहीं चाहिए, मैं वैसे अभी सिर्फ प्राइस देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा है कितने की है, मतलब कौन सी गाड़ी है। एंड ये कौन सी थी, कोडा को कोरियर। ओके भाई ये भी महंगी है, ये नहीं चाहिए हमें, ये भी हम सिर्फ अभी प्राइस देख रहे हैं, जो सस्ती रहेगी वो ले लेंगे। ऑडी Q7, नहीं ऑडी Q7, भाई मेरे को वैगन लगी थी कायदे से ये। ओके ऑडी Q7, भाई ये अंकल 6,000 की बेच रहे हैं, ये हम ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी कंडीशन में गाड़ी। पर भाई हम अभी और भी देख लेते हैं आगे गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो चलते हैं आगे। और आ गए हम, भाई कितने बड़े बड़े घर हैं, मेरा घर होता ये तो मज़ा आ जाता फिर।
एंड ये को ये भी है फियाट 500 मिनी। ये अंकल अरे 15,000 के ऐसा क्या है, छोड़ो। अरे ट्रक तो हमें लेने ही है। एक और ये शायद चाहिए भी, टोयोटा एवरॉन है ना, NG5। ये कौन सी गाड़ी है भाई, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये 55,000 की है वैसे। नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए भाई, इनके प्राइस देख के ना मैं बोर हो गया। मेरे को था मैं कांप रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं हो रहा। ओके ये अंकल हमें 1,000 की बीच में हम इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि अच्छी गाड़ी है भाई ये। और ये देखो मैं गाड़ी के ऊपर से ही आ गया। एंड यहाँ पे एक और गाड़ी है, होंडा विविक इसका नाम है, गेम है, मेरे को असली में नहीं पता इसका क्या नाम है। ये वाली गाड़ी भी हम खरीद सकते हैं। एक काम करते हैं भाई, इसी खरीद लेते हैं, अच्छी गाड़ी है वो। मैं वो वाली भी ले सकता था, पर ये वाली ज़्यादा सही लग रही है मेरे को, क्योंकि इसमें NOS लगा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर, शायद से यही बोलते हैं। एंड ये देखो भाई मेरे को 10 वो मिले उसके XP। यहाँ पे भी भाई हम ये सब बटन वटन हमें वो बता रहा था, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि साइड में लिखा हुआ है भाई IO ये सब। तो इंजन खैर ऑन है, एंड NOS कैसे यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन मतलब। और मैं कितने आराम से चला रहा हूँ भाई, मेरे को ठोकना नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी को। ऑफ करते हैं। एंड ये वाली गाड़ी कौन सी है, पैचर्ट 504 क्लासिक, इसको हम सिर्फ क्लासिक बुलाएंगे, जो कि 1,000 2,000 के ऑलमोस्ट, जो कि मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि सही लग रही है मेरे को ये। खरीद लेते हैं भाई, बाय लेट्स गो। एंड अभी मैं ना इस पे इसको भेजू कहाँ पे उसे, और गाड़ी ठोक दिया बंदे ने। हेलो मैं गाड़ी के हर पर किसे छा पा रहा हूँ, मजाक चल रहा है क्या, जो भी है छोड़ो भाई। इधर गाड़ी पे क्लिक करते हैं एंड इसे कहाँ पे भेजू, ओके रिपेयर में भेज देते हैं भाई, रिपेयर शॉप हमारे जस्ट सामने थे मैंने दिखा था। तो अभी हमारी गाड़ी को चला के ले जाते हैं, क्योंकि हम मेरे मेरी गाड़ी की वजह से भाई यहाँ पे पूरा वो लगा हुआ है जाम, ट्रैफिक जाम। और ये देखो भाई अल्ट से हम नॉस यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने देखा साइड में लगा था, एंड मैंने यूज़ भी कर दिया थोड़ा सा या पूरा ही ख़त्म कर दिया नॉस यूज़ करके। तो अभी हम चलते हैं एंड ट्रिप मार दिया, ठोकना नहीं ठोकना नहीं ठोकना नहीं, ठोक दी भाई ऑलरेडी। इतनी ज़्यादा डैमेज कर दी मैंने, पाँच पाँच ही तो डैमेज करी है, इतनी ज़्यादा नहीं करी। और वाह मैं घर के अंदर देख पा रहा हूँ, लॉल आइएगा भाई पूरा डैमेज हो गया बोनट। और यहाँ से वैसे ये चीज़ अच्छी है, हम बाद में कहीं हमें घर वर लेना रहेगा ना, तो ऐसे खोल के देख सकते हम साइड से। लॉल ऐसा लग रहा है मैं गेम नहीं खेलने नहीं आया, बग्स ढूंढने आई हूँ। सो अभी मैं शॉर्टकट लेते हुए पहुँचने वाला हूँ हमारे ऑफिस पे। ओके रुक जा, ठोकी। ड्रिफ्ट अच्छी थी, ब्रेक्स बेकार थे। इसको रो भाई, इसको रोकते हैं एंड चलते हैं हमारी दूसरी वाली गाड़ी को लेने, जो कि हमने खरीदी थी और सामने खड़ी है वो। आ चुका हूँ मैं, इसको लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मेरे को रिपेयर वपेयर अभी नहीं करवानी है, क्योंकि मेरे को मतलब इतना पैसा भी वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। पैसा खैर वो वेस्ट नहीं होगा, उससे उससे थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा, पर हमें अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सो गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करते हैं, इंजन ऑफ। एंड अभी हमें जाने का है ऑफिस के अंदर, यस कंप्यूटर पे जाके हमें जाना है, वेब पेज पे। आप देख सकते हो यहाँ से हमें गाड़ियाँ सेल करनी है, तो उस पर मैंने क्लिक किया। एंड ये देखो तो हमने गाड़ी गाड़ी खरीदी थी वो हमें दिख रही है, तो उस पर क्लिक करते हैं। ओके यहाँ वो फोटो भी लगा सकते हैं हम। ओ ये देखो गाइस हम टैब दबाए, तो यहाँ पे हमारे पास टैबलेट है, स्पॉन्ज है और कितनी सारी चीज़ें हैं, और ये शायद से हैमर है, यस हैमर है ये। ओके हम मुझे नहीं पता कहाँ से लेना है, पर हम बाद में ज़रूर लेंगे भाई, और फिर हम फोटो वोटो भी लगाया करेंगे। सो वेब पेज पे आ गया मैं, मतलब इधर वेब पेज भी गाड़ी सेल करने के लिए। एंड ठीक है अभी इसका प्राइस हम कितना रखें, मेरे दिमाग पे फुलवली मच रही है भाई। इसका प्राइस मैं 12,000 रुपये का, मतलब देखो अभी अभी मैं एक न्यू सेलर हूँ तो कोई खरीदेगा नहीं, पर ट्राई करते हैं, पहले 20,000 डाल के देखते हैं। ये 20,000 में 12,000 नहीं 12 लाख हो जाते, हाँ ओके 12,000 में खरीद, 12,000 तक हम डाल सकते हैं। एक काम करते हैं भाई, मेरे को छुलबुली मच रही है, मैं डाल देता हूँ, क्या पता कोई खरीद ले, मतलब खरीदेगा तो कोई नहीं भाई, 2,000 की गाड़ी 12,000 में कौन ही खरीदेगा। फिर
भी हम लगा दिया भाई उसे मैंने सेल्फ पे, और ये दूसरी वाली 12,000 पे लगा दूँ। और ये 12,000 पे नहीं लग रही है, 10K। यस 10K लग रही है, तो इसे 10K लगा देते हैं। और ओके कस्टमर आ चुके भाई ऑफिस में, आइए आइए आप तीनों का स्वागत है। हाँ तो ये है हमारी होंडा विविक जिसके ऊपर मैं कूद रहा हूँ फिलहाल तो। एंड भाई ये वाली गाड़ी के लिए बताओ कोई नहीं आया, पर वो बात नहीं, हम ये वाली को अभी सही करते हैं। ओके सर, ई मैं ई बटन ढूंढ रहा था मेरे कीबोर्ड में और डी दबा रहा था बार बार। एंड ओ ये बंदा यही प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है, इससे पूछो तो, इससे पूछो तो। ओके यस सर, अरे ये भी इसी प्राइस में तैयार है, अरे लॉल। और ये तीसरा वाला, ये अंकल है आंटी है समझ में नहीं आ रहा, अंकल है शायद से या भैया है, भैया अरे मतलब भाई, भाई भैया नहीं भाई, अक्कड़ बक्कड़ बंदे वो भाई जिसको सेल करता हूँ, क्योंकि वो दोनों भाई भाई लग रहे हैं, दोनों झगड़ने लगेंगे बाद में, भाई मेरी गाड़ी थी तूने क्यों खरीदी। सो मैंने उसको भेज दिया। ओली मोली कितने सारे बंदे आ गए वाली गाड़ी खरीदने के लिए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं 10-15 बंदे आ गए, वाड़ू है भाई। इनसे बात करते जल्दी ले। वैसे भी मैंने सारे कस्टमर से बात कर ली, कोई भी एक अच्छा प्राइस नहीं बता रहा था। और मेरे को भाई वो शायद से अब एडिटिंग में उतना पार्ट स्किप करना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम कंटेनर पे चलते हैं एंड आके इधर पे सो जाते हैं। और भाई कंटेनर का दरवाज़ा किधर है? हेलो इधर खिड़की नहीं है उसे? ओ मुझे स्लीप का ऑप्शन आया है ऐसे, इधर वहाँ तो सो जाऊँगा क्या बाहर से ही? ओ वाह लेट्स गो, हमने भाई एक और बग ढूंढ लिया, हम बाहर से ही सो गए जादूगर। और अभी नेक्स्ट डे करते हैं एंड ये देखो भाई ये रहा दरवाज़ा, सामने था दरवाज़ा और मैं दरवाज़ा ढूंढना था। एंड अभी हमें जाना है कार मार्केट प्लेस पे क्योंकि वो खुली है अभी, तो आज चलते हैं कार मार्केट प्लेस पे। ओ आ गए हम, एंड भाई यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ी आएंगी शायद से, शायद से हाँ तुक्का, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे हैं तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो अभी आंटी से बात करते हैं, BMW कूप है, 1,50,000 नहीं चाहिए आंटी सॉरी, इतना पैसा नहीं, हम गरीब हो जाएंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, अभी हम यहाँ से कुछ नहीं खरीदते, अभी हमारे कस्टमर आए हैं उस पर ऑफिस पे, तो इधर आते हैं आई मीन वो डीलरशिप पे, क्योंकि ऊपर ऑफिस लिखा है तो मैं भी ऑफिस से पढ़ रहा हूँ। सो इसे हम पहले कचरे यहाँ पे क्लीन कर देते हैं भाई, क्या एक दिन में पैसा क्या मान लिया, लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया। एंड ये आज अंकल कितनी की खरीदोगी? मैं इसे 10,000 के लगा, अरे एक नहीं बेचना भाई, उससे उससे महंगी तो मैं खरीद के लाया था जितने में तो वो खरीद रहे, मतलब बेच रहा नहीं खरीद ही रहा है ना, हाँ यस खरीद रहा है। एंड भाई मैंने इसे अभी सेल से हटा दिया और मैं इसको अभी 3,000 कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई ये वाली गाड़ी को कोई खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज और गंदी भी हो रखी है। तो भाई अभी मैं आज को कार मार्केट प्लेस पे वापस से, एंड हम मैं गाड़ी देखने आया हूँ वापस से। लॉल अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था भाई मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए और मैं वापस आ गया गाड़ी खरीदने, तो यहाँ पे देखते हैं हमें कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है जो हम खरीद सकते हैं। तो ये बेच रहे हैं 3,000 की, ठीक है हम खरीद सकते हैं उसे, पर फिलहाल और गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे तो उन्हें हम देख लेते हैं उन गाड़ियों को। एंड वैसे ज़्यादा डैमेज नहीं है, ये सिर्फ इसका थोड़ा बहुत डैमेज है। एंड ये लॉर्ड स्कॉट क्लासिक, ये कौन सी गाड़ी है? ये 15,000, 15 था ना, 1,00,000 था, 1,00,000 था शायद से। मैं देखो भाई ये सब बड़े प्राइस नंबर पढ़ नहीं पाता हूँ जल्दी, टाइम लगता है कभी कभी यार। और ये वाली गाड़ी वैसे हम लेना नहीं है, हमें अच्छी सी गाड़ी लेना है। सो ये वाली बग ड्राइवर जी कितनी है? 72। अरे ओ अच्छा बक रैडर है, वैसे मैंने गाड़ी का नाम सुना है पर देखा नहीं है, पर बहुत महंगी है। और ये भी सेम गाड़ी है एंड ये 94,000 की। देखो भाई गाड़ी का नाम सुना है अच्छी गाड़ी है पर इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है ये?
और मैं भाई भाग रहा हूँ वहां से, वैसे इनसे भाग रहा हूँ, मेरे को खरीदने नहीं है, कंगाल जाऊंगा अगर इनमें से एक भी गाड़ी खरीद ली तो मैंने। एंड ये वाले अंकल भैया मतलब इंसान है ये, मैं इंसान बोलूँगा, स्टेज वैगन में चला, जो कि मुझे नहीं चाहिए वैगन। और ये डॉज है ना, ये स्टॉ चार है भाई, चार चेयर पड़ता हूँ मैं, डॉज बोले हम, क्योंकि 23,000 की बेच रहा हूँ, कितनी गंदी है भाई। मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना कुछ भी। सो गाइस, इतना ही छोड़े के लिए, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।